अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लगता है बिजली चली गई। ए चंपाकली, मैं भी किसे बुला रही हूँ? इतने अंधेरे में वो आएगी फिर भी अंधेरा ही दिखेगा। अभी जाना था बिजली को, कितनी गर्मी है। हे भगवान, चंपाकली, चंपाकली, पता नहीं इस अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कहाँ मर गई है ये कुंभकर्ण की औलाद? घर में चोर आके चोरी करके निकल जाएगा फिर भी ये सोती रहेगी। ए चंपाकली, टॉर्च भी नहीं दिखाई दे रही कहीं। कितना अंधेरा है। मैं हितेन, 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 चोर नहीं, मैं हितेन। हितेन? कोई हितेन, आपका हितेन। हितेन? कोई पहले से मेरी हालत इतनी खराब और आपने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मुझे हाथ में दर्द शुरू हो गया। अरे लेकिन इतना दलदल में लतपत होके कहाँ से आ रहा है तू? अमरूद लेने गया था, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, गिर गया मैं। लेकिन जैसे तैसे करके इतने अमरूद ले आया। क्या फोई, आप भी मुझ पे हंस रही है? अरे लेकिन इतनी रात को अमरूद लाने की क्या आवश्यकता थी? कोई, मैं अपने लिए नहीं गया था, मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए गया था। उसने जिद की थी कि उसे सिर्फ अमरूद खाने, अमरूद खाए बगैर नहीं सोएगी। अब मैंने उसे कहा फोई कि फ्रिज में इतने सारे फल पड़े, कोई भी फल खा ले। अब इतनी रात को कौन फल वाला खुला? अमरूद ला। थैंक यू। देखा फोई, अमरूद पाके कितना खुश है। अरे इतन ऐसा ही होता है, इन दिनों में कुछ भी खाने का मन करता है। और कभी भी, तुझे पता है मौली के समय जब मैं पेट से थी ना, तो मुझे मिर्ची का अचार खाने का बड़ा मन करता था। अरे एक रात को तो सुभद्रा भाभी ने दुकान खुलवा के मुझे मिर्ची का अचार दिलवाया था। तभी तो मौली को भी मिर्ची का अचार बहुत। हम दोनों की पसंद नहीं के करम नहीं, तो रे माँ होते भी बात कहूं तो बुरा मत मानना। अपने बेटे को दुनिया का सारा प्यार देना, लेकिन बदले में उम्मीद मत रखना, कुछ भी मोह मत रखना। क्योंकि एक औरत दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके अंदर जो माँ होती है ना, उसकी औलाद अगर गलत निकले तो एक पल में टूट जाती है। तरुफ़ आज भी मौलिक को नहीं भूली, लेकिन वो अपना दुख किसी को नहीं दिखाती। भैया कोई अच्छा कुर्ता दिखाना। जी अभी दिखाता हूँ। Excuse me, मेरा पार्सल रह गया है, प्लीज दे दीजिए। मेघा जी, आप यहाँ? अच्छा लगा आपसे फिर से मिलकर, पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं एक्चुअली यहाँ कुछ खरीदने आई थी। मैं अक्सर विशाल की शॉपिंग इसी दुकान से करती हूँ। पर आप तो धर्मपुर में। हाँ मैं धर्मपुर में रहती थी,
लेकिन वो क्या है कि विशाल की जब भी छुट्टियां होती है तो मैं उसे अहमदाबाद लेके आती हूँ। एक्चुअली मेरी माँ यहाँ रहती है। अच्छा, आपकी माँ यहीं रहती है? हाँ, पहले मैं भी यहीं रहती थी, लेकिन जब से मनीष ने अपना बिजनेस धर्मपुर एक्सपैंड किया है तो हम वहीं शिफ्ट हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन मैं आपके बेटे से मिल नहीं पाई। मालिक बता रहे थे मुझे कि आपका बेटा बिल्कुल महेश जी पे ही गया है। संतो, मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मेघा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती? वो क्या है ना कि मुझे मालिक के लिए कुर्ता खरीदना है, पर समझ नहीं आ रहा कौन सा खरीदूं। आप मेरी मदद कर देंगे? मैं? अच्छा ठीक है। भाई साहब, वो लाल कुर्ता है ना काथा वर्क का, वो दिखाइए। जी संतो, ये काथा वर्क यहाँ पे काफी फेमस है, बहुत पॉपुलर है। मुझे लगता है कि उन पे अच्छा लगेगा। रंग तुम कोई अपनी पसंद का ले लो। आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। संतो, मैं अब चलती हूँ क्योंकि विशाल अकेला घर पे है। ठीक है, बाय। ठीक है भाई साहब, ये पैक कर दो। अच्छा जी। फिरवा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं मुंगली से दूर नहीं रहा तो धर्मराज मायावंशी को सब कुछ बता देगी। तो क्या मैं इस धमकी से डर जाऊं, या फिर ये मान लूं कि अब सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से गई, या फिर मुझे अब ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाला हूँ। इतनी आगे आ गया हूँ, अब मैं पीछे नहीं जा सकता। बिरवा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मोंगी के नाम कर दी है। मोंगी आज भी मुझ पर मरती है, प्यार करती है वो मुझसे। अगर ये प्रॉपर्टी चाहिए तो मोंगी से तो रिश्ता रखना ही पड़ेगा ना, ऐसे कि बिरवा को इस बात की खबर तक ना लगे। मोंगी से रिश्ता रखना मतलब आग में कूदने जैसा, और अगर ये प्रॉपर्टी चाहिए तो आग में तो कूदना ही पड़ेगा ना। बधाई हो मैडम, पुरस्कार जीतने के लिए बधाई हो मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो जी, जी मिश्रा जी, जी हाँ हाँ ठीक है। जी जी, मेरी बात हो गई उनसे। हाँ बिरवा मैम अपने कैबिन में। हाँ जी, वो मैं यहाँ बिरवा से नहीं, तुमसे मिलने आया। Congratulations. मिश्रा जी, मैं आपको कॉल करती हूँ। थैंक यू, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर बिरवा मैम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, और तुम्हारे इस अचीवमेंट में तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। कहीं ना कहीं तो तुम भी ये खुशी मेरे साथ बांटना चाहती हो, राइट? अहमदाबाद यहाँ से 4-5 घंटे की दूरी पर है। मेरे एक फ्रेंड ने नया रेस्टोरेंट खोला है, तो उसकी ओपनिंग पे मुझे इनवाइट किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, और इस बहाने हम तुम्हारी ये सक्सेस भी सेलिब्रेट कर लेंगे। हम कल 3-3:30 के बीच में निकलेंगे और करीबन 8-8:30 तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। कल कार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मत करना सर, मैं नहीं आ सकती। और हाँ, मैंने जो तुम्हें ड्रेस दी थी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सर मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकती। प्लीज कल देर मत करना। सर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा ना, मैं
मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आऊंगी। अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से। देखो तुम क्या बोल रही हो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर तुम क्या चाहती हो ये मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। I'll see you tomorrow, 3:30 sharp. Good day. हे भगवान, ये सारंग समझता क्यों नहीं? मैं नहीं जा सकती इसके साथ, मेरा उसके साथ इस तरह जाना गलत है। पर फिर भी वो चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊं। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं उसके साथ? फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।